तो हे गाइस, अगर आपको भी कैपकट में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आप सिंधी टेक्स्ट करना चाहते हो, सिंधी में स्टेटस बनाना चाहते हो, तो आपके पास भी कुछ इस तरह का जो है टेक्स्ट आ जाते हैं, अल्फाज जो है अलग अलग हो जाते हैं, तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से इस तरह का स्टेटस कैपकट में बना सकते हो, जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी चल रहा है देख रहे हो। तो इस वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, पिक्सल ऐप ओपन कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इजीली ये आपको पेल ऐप मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करना, मैं लिंक आपको वहाँ दे दूंगा। और उसके बाद यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कैंसिल पे कर लेना है, और ठीक है। और उसके बाद आपको इस टेक्स्ट पे डबल आ जाना है और इस टेक्स्ट को चेंज कर लेना है। अब जो भी आप उर्दू लिखना चाहते हो या सिंधी लिखना चाहते हो, वो आप क्या करना, यहाँ पे जो भी आपके लेयर्स हैं, गाने के लेयर्स हैं, तो वो आपको यहाँ से जो है लिख लेना है। तो सिंपली मैं आपको यहाँ से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो गाइज, मैंने यहाँ से ये टेक्स्ट लिख लिया है अपने लेयर्स, तो सिंपली यहाँ से इसको कर लेना है ओके। ओके करने के बाद यहाँ से आपको इसको थोड़ा सा इस तरह से छोटा कर लेना है, यहाँ से पकड़ के और यहाँ से। और आपको क्या करना है, जितने भी आपके जो लेयर्स हैं वो यहाँ से आपको सिंपली यहाँ पे राइट कर लेना है। तो मैं जल्दी से राइट करता हूँ, ठीक है। राइट करने के बाद मैं आपको, तो गाइस सिंपली मैंने जो मेरे लेयर्स हैं गाने के, वो मैंने यहाँ से लिख लिए हैं सॉन्ग्स के लेयर्स। अब हमें क्या करना है, सिंपली एक लेयर्स पे टैप करना और थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ पे आओगे तो आपको ए बी फॉन्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आकर आप यहाँ से जो है इसमें सिंधी फॉन्ट ऐड कर सकते हो, उर्दू। तो आपको नहीं पता तो मैंने उस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। और यहाँ से ये मैंने इसमें कस्टम फॉन्ट ऐड किए हैं, तो सिंपली हम यहाँ से इसके फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, तो देखते हैं कौन सा फॉन्ट अच्छा लगता है हम वो, ठीक है। तो ये फॉन्ट हमें अच्छा लगता है तो हम यहाँ से कर लेते हैं इसे ओके। अब क्या करना है गाइस, सिंपली हमें इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो सिंपली कलर वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ से इसका मैं कलर जो है वो रेड कर लेता हूँ। रेड करने के बाद आपको क्या करना, थोड़ा स्क्रोल करके आओगे तो आपको यहाँ पर स्ट्रोक ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली स्ट्रोक पे आ जाना है और इसको स्ट्रोक दे देना है वाइट, ठीक है। इस तरह से स्ट्रोक आपको 4 रख लेना है, जो स्ट्रोक की विड्थ है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इन सब टेक्स्ट को मुख्तलिफ कलरफुल कलर दे देना है, और जो आपको कलर पसंद हो और जो भी आपको फॉन्ट पसंद हो वो आपको दे देना है, ठीक है। और मैं आपको दे के फिर, तो गाइस सारा कुछ मैंने यहाँ से लिख लिया अपने सॉन्ग्स के लेयर्स, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है ये ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली इस पे आ जाना और यहाँ से इसके कर लेना है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट करने के बाद आपको यहाँ से ऊपर सेव का बटन मिलेगा, इस पे आने और यहाँ से सेव एज अ इमेज पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इस पे टैप करना और यहाँ से अल्ट्रा करके इसे अपनी गैलरी में सेव कर लेना है, तो ठीक है। इसे सेव करने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस सिंपली मैं आ चुका हूँ अपनी कैपकट ऐप के अंदर, और यहाँ से आपको क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करना और जो भी आप जो है वीडियो एडिट करना चाहते हो उस वीडियो को यहाँ से कर लेना है सिलेक्ट। तो मैंने यहाँ से सिंपली इस वीडियो को कर लिया है सिलेक्ट, और अब मैं इसके लेयर्स के मुताबिक यहाँ से इसमें जो लेयर्स हैं वो ऐड कर लूँगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, ऐड ओवर में, ऐड ओवरले में आ जाना है और यहाँ से ऐड ओवरले कर लेना, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ से जो है सब अलग अलग करके यहाँ से ऐड कर लेना है, तो मैं ऐड करके आप, तो गाइज आप देख सकते हो कि मैंने जो भी लेयर्स ऐड की हैं वो हमने यहाँ से इसमें ऐड कर ली हैं, ये आपको लेयर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से अपनी फिंगर की मदद से इस तरह से इसको सेट कर सकते हो अलग अलग, ठीक है, जहाँ से भी इसकी जो वो आ रही हैं, मतलब सॉन्ग चल रहा है उसके बराबर से आप इस तरह से सेट कर सकते हो, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अलग अलग करके यहाँ से इसे कर लेना है इस तरह से, और यहाँ से सेट कर लेना है इस तरह से, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है। तो
अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से आपको इस लास्ट वाले पार्ट को डिलीट कर लेना है, नहीं तो आपके जो वीडियो सेव होगा उसमें वाटर मार्क आ जाएगी। और उसके बाद ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आप करके यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो सिंपली 1080p और फ्रेम रेट 30 पे। तो आई होप गाइज ये एक छोटी सी वीडियो थी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको आगे भी एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। मैं मिलूंगा आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का रखिए ख्याल। अल्लाह ने कहा।